आप बाहर खींच रहे हैं, आप कट गए, हमने यहाँ पे हाथ रोका पर इसी मुंह पे जाते थे टूट गए। आपने हाथ तो सीधा करोगे अभी तो भाई आवाज लगा के कोई बात नहीं, जब चलिए तो चलिए। भाई गई तो इसी मुट्ठे पर थी, अब उसी पे गई है। अगर ये घूमती तो मैं मानता शायद उस पर पड़ गई है। अब उतार लो कोई बात नहीं भाई, इनका भी किलो जाएगा। ये तो क्या कह रहा हूँ, अब वो भी आज भी मुतमईन और वो भी जो लगा रहा था, मैं कैसे कह दूँ भाई। वो चीज़ नहीं कहने का मतलब ये पर्चा नहीं, आप खुद बता दो। अगर ये पतंग फट गई तो पर्चा आपको इससे पहले भी आप कह रहे थे टीम पर फड़ गई मेरी पतंग। मेरी बात तो बस बात खत्म, उतार तो रहा हूँ भाई। अगर मिट्टी मुड्डे पे नहीं लगी आपका टिकट और बोलो बात करो ना। Seeing monsters at your window. No, you can't sleep, you pretend though. You don't have to play the hero. Cause I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. Welcome to Kite Culture. दोस्तों मैच स्टार्ट करने से पहले दो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताऊंगा आपको, खासकर लखनऊ के खिलाड़ियों के लिए। अभी आपने हाल ही का परफॉर्मेंस देखा इस सीजन का, लखनऊ का कहीं से भी अच्छा नहीं रहा, जबकि दिल्ली की बहुत सारी टीमें लखनऊ को काट के गईं। लखनऊ का गेम इस बार पीछे रहा, इसकी दो वजह हैं। एक जो ये ट्रेंड चला है हाथ पे लेके उतारना पतंग को, ये बहुत ही गलत है। और जितने ये लोग कहते हैं ना कि हमारा पेच हम कहीं से लड़ाएं, ये वो डरते हैं कि हम रेंज में पतंग नहीं लड़ा सकते हैं। और यही परदेश के सारे खिलाड़ी देख रहे होते हैं आपको, वो जैसे ही रेंज में पेच सही कराते हैं आपकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, जिसकी वजह से रिजल्ट ये हुआ कि बहुत सारी टीमें लखनऊ को काट के चली गईं। दूसरी वजह यह है कि जो हमारे यहाँ फिक्स्चर के गेम होते हैं उसमें टिकट का गेम नहीं होता है। आपका अगर फिक्स्चर का गेम है तो आपस में ही आप टिकट का गेम खेल लीजिए भाई। इतना मांझा और मटेरियल जो आपका बर्बाद हो रहा है, सिर्फ 9 काटने के लिए आप 3 पेज सही लड़ाते हैं, 7-8-9, बाकी आप सिर्फ शौक करते हैं। तो उसको ऐसा ना करिए, हर एक पेज को काबिलियत से लड़ाइए और सीरियसली लड़ाइए। यानी कि आपको टिकट का गेम करना ही करना है, यानी हार जीत आखिरी में पता चलनी ही चाहिए।
तभी आप पूरी ताकत से लड़ोगे। ये दो रीज़न है, अगर आप दोनों में सुधार कर लेते हैं। फिक्स्चर का गेम सिर्फ शौक के लिए ना करिए, उसको टिकट का गेम लड़ाइए। हार जीत ज़रूर निकलना चाहिए, चाहे वो कितने भी टिकट से हो, कितने भी नहले हो, कुछ भी हो। जिस तरह बाहर के लोग खेलते हैं, हम लोग फिक्स्चर खेलते हैं, बाहर के लोग नहीं। रही बात ऐसे खिलाड़ियों को सुधारना जो हाथ पे पतंग लेके आते हैं, बिल्कुल उतार के लाते हैं, जैसे ही वो ऐसा करने लगें तो आप गेम बंद कर दीजिए। हाँ, 9वें पेज में 8वें पेज में वो ऐसा कर सकते हैं, उनके पास ये हक होता है, किसी तरह उनको 9 बचाना है। लेकिन पहले 2वें, 3रे, 4थे, 5वें से ही अगर ये स्टार्ट करते हैं तो वहीं पे आप गेम बंद कर दीजिए, सामने वाले को सबक मिल जाएगा। संजीव भाई के काइट कल्चर को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें और शेयर करें। आइए दोस्तों इस पेज को देखते हैं। नीचे की तरफ से जावेद भाई बढ़ रहे हैं, ऊपर से नायाब भाई पतंग को लाते हुए। चलिए, बहुत अच्छी जगह बन गई है दोनों के बीच। काफ़ी देर से ये पेज हो नहीं पा रहे क्योंकि कहीं ना कहीं जगह की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं और हवा भी लगातार चेंज होती चली जा रही है। जिधर मैं खड़ा हूँ बिल्कुल बीचों बीच दोनों प्लेयर के खड़ा हूँ, थोड़ा सा नायाब भाई के पास खड़ा हूँ, ऐसे जगह समझ लीजिए। नायाब भाई देखिए पतंग राइट साइड वाली है और जो लेफ्ट यानी उल्टे हाथ की तरफ जो पतंग है वो नीचे से गई हुई है हमारे जावेद भाई की। चलिए भाई, मेरा आज की टीम से ये लड़ रही है, थोड़ा सा घट करने के लिए पीछे से आवाज़ आ रही है, देखिए। ठीक है, चलिए। काफ़ी ज़्यादा नायाब भाई अंदर हाथ की तरफ चलते हुए, पेज की दूरी मेरे पास से करीबन 450 मीटर है। ऐसे ये 500 पे लगी हुई थी पतंगें, घट हो के नीचे आ गई हैं, कम हो गई हैं। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए एक बार फिर से जावेद भाई हल्के हल्के हाथों से चलते हुए। अब नावेद, चलिए नायाब भाई ने मुड्ढा बदला, गद्दा दिखाया है, उन्होंने क्रॉस पे रोकी। नायाब भाई ने फिर से चक्कर लिया, बाहर तेज खींच रहे हैं, अंदर की ही तरफ खींचते हुए चले जा रहे। बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे जावेद भाई ने, काटने के बाद ही जैसे ही पतंग उठा रहे थे और जैसे ही पतंग वो मोड़ रहे थे चली गई पतंग। आप कट गए, हमने यहाँ पे हाथ रोका पर इसी मुंह पे जाते जाते टूट गए। आपने हाथ तो सीधा करोगे अभी तो भाई आवाज लगा के कोई बात ही नहीं, चलिए तो चलिए। मिराज भाई लेकिन कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, टिकट हुआ नहीं था भाई ये। दोस्तों कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है ऐसे मामलों में। राइट साइड की तरफ से गद्दा बनाया था हमारे नायाब भाई ने और अंदर का रुख दिखाते चले जा रहे थे यहाँ पे हमारे जावेद भाई। जैसे ही अंदर का मुड्ढा लेके बाहर मोड़ा उनकी पतंग भी टूट गई। एक बार फिर से देखेंगे और आपको कमेंट में बताना है कि ये पेच बराबर था कि दिल्ली को ये पेच मिलना चाहिए था, जो कि मिला आखिरी में। ये देखिए अंदर का मुड्ढा आ रहा था, जैसे ही वो कटे और इन्होंने मुड्ढा जैसे ही बाहर किया इनकी पतंग टूट गई। बताइए क्या होना है। आइए दोस्तों इस पेज को समझेंगे। थोड़ा सा कैमरे को मैं टर्न करता हूँ यहाँ पे। अब जो राइट साइड वाली पतंग है ये हमारे जैर भाई की है और जो नीचे से बढ़ रहे हैं वो हमारे हिप्पी भाई बढ़ रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देख रहे हैं आप, लेफ्ट साइड। चलिए जैर भाई ने थोड़ा सा चक्कर दिया, बाहर को गद्दा दिखाया, उन्होंने थोड़ा सा अंदर रुख दिखाया,
अभी भी जहर भाई खींचते चले जा रहे हैं, थोड़ा सा बाहर लिया फिर अंदर लिया, हमारे हिप्पी भाई ने फिर से खड़ा खींच लिया है और फिर यहाँ पे पतंग रोक ली खड़ा करके। बहुत ही सटीक पेच काटा जहर भाई ने, पूरा गद्दा चला था। जब उन्होंने अंदर रुख दिखाया तो और तेज चले, फिर उन्होंने जब बाहर खींचा तो और गहरा तेज मार लिया, फिर अंदर दिखा के फिर खड़ा ऊपर ही कर लिया पतंग को, एक तरफ से पतंग को खड़ी कर लिए। और खड़ी पतंग पे एकदम तलवार जैसी डोर, और उनका जो झोल था वो बहुत पीछे से चलता चला रहा था। झोल जो था यानी कि एक झोल बन के आता है, पतंग हमारी होती है दूसरी तरफ लेकिन हमारा झोल उसके दूसरी तरफ होता है। अगर एक और बार चक्कर दे के जहर भाई फिर गद्दा मारते कि अगर झोल सही हो जाता तब कहीं ना कहीं गद्दा मार सकते थे, लेकिन यहाँ पे बहुत समझदारी से पेच लड़ाया है। यहाँ पे हिप्पी भाई ने एक्सपीरियंस अपना दिखाया है। दिल्ली से लड़ाने जा रहे हैं एक बार फिर से हमारे हिप्पी भाई, देखिए यहाँ खड़े हैं और प्लेसिंग देख लीजिए। ये मानस भाई हैं, मानस भाई देखिए ऊपर का पेच दे रहे हैं, बहुत तेज खींचते हैं मानस भाई, हालांकि काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, सारे सीनियर और दिग्गज प्लेयर हैं ये दिल्ली से। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे हिप्पी भाई की है, ऊपर से मानस भाई पतंग को चक्कर देखे अंदर की तरफ अब लेके जाते हुए धीरे धीरे करके हमारे हिप्पी भाई ने पतंग को थोड़ा ऊंचा कर लिया है। चलिए ठीक है, पतंग को तेज चला रहे हैं मानस भाई का आप पेस देख रहे हैं ऊपर से राइट साइड वाली देखिए पतंग। चलिए उन्होंने बाहर को दिखाया, मानस भाई ने एकदम तेज गद्दा मारा, जैसे ही गद्दा देखा उन्होंने पतंग अंदर की मोड़ी थी, लेकिन थोड़ी सी पतंग कहीं ना कहीं मानस भाई की बाहर को है तो जब खींचा तो हल्की अंदर आई, जैसे ही अंदर रुक दिखा उससे पहले इनका गद्दा पड़ चुका था। शानदार ये पेच काटा है मानस भाई ने, सिर्फ डोरों पे रखना था हल्के हल्के हाथों से थपकते हुए, तो हो सकता था मानस भाई खुद ही रगड़ के कट जाते। ये सलमान भैया भाई महराज है, देखिए बहुत बड़ा नाम हमारे भाई महराज का, आराम कर रहे हैं, कैसे हैं महराज भाई? पहली बार हम आपसे मिल रहे हैं शायद? नहीं, सेकंड टाइम मिल रहे हैं। ऑल इंडिया में मिले? हाँ ऑल इंडिया में मिले थे, बिल्कुल याद आया। और हमारे सलमान भाई देखिए क्या पतंग यूज कर रहे हैं आज? आज ज्यादातर मुरादाबाद की पतंग यूज कर रहे हैं, शब्बू भाई की पतंग है, शब्बू भाई की, और बाकी है बबलू भाई की है। अच्छा ये बबलू भाई की, लखनऊ बबलू भाई, बबलू भाई, बहुत बढ़िया। और ये हमारे बच्चा भाई हो गए। अच्छा बच्चा भाई की भी पतंग है, ये सब पतंग यूज कर रहे हैं। वाह, तो हमारे सलमान भाई को तो आप लोग मिले ही हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा नाम दिल्ली से। मांझे देखिए बहुत सारे मांझे यूज हो रहे हैं यहाँ पे, मांझे ज्यादातर बशीर बेग का है, नदीम भाई का। इस बार बशीर बेग यूज कर रहे हैं, इस टाइम ज्यादातर पांच चरके खुले हुए, शायद पांचो चरके बशीर बेग के, तो रिजल्ट अच्छा आ रहा है। हाँ हाँ बहुत बढ़िया रिजल्ट है, बहुत बढ़िया रिजल्ट, नदीम भाई इस टाइम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अच्छा बहुत अच्छा बना। चलिए यहाँ पे नदीम भाई की तारीफ होती है, क्योंकि कोई भी कारीगर अगर अच्छा काम करेगा उसकी मेहनत कर रहे हैं। तो हमारे सलमान भाई लगातार आते रहते हैं दिल्ली से, और सीजन जैसा ही आता है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का पहली बात तो, और काइट कल्चर पे यूं ही बने रहे। अरे हम तो बहुत चैनल पसंद करते हैं काइट कल्चर। थैंक यू सलमान भाई। मैं सबसे ज्यादा दिल्ली में आपके चैनल को लाइक करता हूं। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बढ़िया वीडियो बनाते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया दोस्तों, लगातार हमारे मिराज भाई टीम के मेंबर्स तारीफ करते हुए, हमारे जावेद भाई आए हुए हैं और बढ़िया पेच अभी काटा था आपने देखा इनको, अभी तो बहुत दिन की शुरुआत ही है, अभी बहुत सारे पेच देखने को मिलेंगे हमारे जावेद भाई के, बने रहे हैं लगातार। देखिए दोस्तों ब्लू कैप में हमारे मिराज भाई हैं, इस बार नीचे का पेच ले रहे हैं, और ऊपर से देखिए मानस भाई यहाँ खड़े हुए हैं। आइए नीचे की तरफ से पेच लेते हुए हमारे मिराज भाई, आइए ठीक है अंदर की तरफ से आते हुए, या मानस भाई काफ़ी ज़्यादा ऊपर की तरफ से चढ़ते हुए, तो मिराज भाई ने भी काफ़ी ज़्यादा हाथ की तरफ लेते हुए आ रहे हैं, कोनी कराते जा रहे हैं। अब मानस भाई बाहर की तरफ हल्का शो कर रहे हैं, और बाहर किया, चलिए देखते हैं, बिल्कुल ठीक है, पतंग को सीधा सीधा किया है, अंदर की तरफ दिखा रहे हैं, गद्दा रखा है अंदर की तरफ, उन्होंने बाहर को शो किया है, मानस भाई ने पूरा गद्दा भरा इन्होंने, वो देखिए जैसे ही पट मारने वाले थे या अंदर रुख करने वाले थे, मानस भाई पहुंच चुके थे, अच्छा गद्दा मार के काटा है मानस भाई ने हमारे मिराज भाई को, अच्छा पेच काटा है यहाँ पे। अजहर भाई का पेच चल रहा है ऊपर से, और नीचे से रहेंगे अज्जू भाई, आइए देखते हैं इस पेच को दोस्तों, सही हो गया है। ऊपर वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, ये हमारे अजहर भाई की, ये देखिए अजहर भाई यहाँ खड़े हुए हैं, ठीक है अंदर की तरफ से बढ़ते हुए अज्जू भाई, अजहर भाई ने पतंग को ऊंचा कर रखा है, अभी मुड्ढा नीचे नहीं ला रहे। चलिए
अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं अजहर भाई। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए अजहर भाई क्या, अज्जू भाई बिल्कुल अंदर अंदर चलते हुए चले आ रहे हैं, पतंग को काफ़ी कम करके लेके आए हैं। चलिए मैं बीचों बीच खड़ा हूँ दोनों के, थोड़ा सा लेफ्ट साइड वाले प्लेयर की तरफ ज़्यादा खड़ा हूँ यानी लखनऊ वाले के। ठीक है चलिए बाहर को दिखाया है और बढ़िया बढ़िया यहाँ पे अज्जू भाई ने टेक्निक अपनाई, भर्रा छोड़ दिया था, किसी को भी ये लगा कट जाते हैं, हालांकि पूरा खींचते तो कट ही जाते। चलिए रखा यहाँ पे अजहर भाई ने गद्दा, बाहर को दिखाया शो किया, फिर अंदर लेके आ रहे हैं उन्होंने भी बाहर दिखाया। चलिए गद्दा पूरा मारा है, बढ़िया पेच काटा है अज्जू भाई ने यहाँ पे अजहर भाई को, शानदार। वहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं थी, अजहर भाई की पतंग घट रह गई और सीधा खड़ा खींच लिया। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं, जावेद भाई का इस बार पेच है और पिछला पेच बहुत बढ़िया सीधा सीधा खींच लिया था, जैसे ही उनकी पतंग कम हुई थोड़ी सी मिली कम, सीधा खींच लिया था अजहर भाई को हमारे अज्जू भाई ने, बढ़िया पेच काटा है। चलिए सीनियर प्लेयर हमारे अज्जू भाई, और जावेद भाई की पतंग ऊपर वाली है लेफ्ट साइड वाली जो दिख रही है, सही बोल दिया गया है। चलिए सही बोला गया है यानी पेस बिल्कुल सही है, जगह सही है। देखिए यहाँ पे जावेद भाई खड़े हुए हैं, आइए चलिए अंदर की तरफ लेते हुए अज्जू भाई पतंग को, और जावेद भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, अंदर और आते हुए ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कम पे आ गए ये पेच, लगभग 350-400 मीटर के करीब ये पेच मेरे पास से, दो दिग्गज टीमें। चलिए नीचे की तरफ से लेते हुए लाते हुए चलिए ठीक है, जावेद भाई ने पतंग को चलाया लेफ्ट साइड वाली पतंग, ये बाहर क्यों गद्दा भरा है उन्होंने चक्कर पे रखा है, अंदर की तरफ तेज खींच रहे हैं जावेद भाई ने, अच्छा झटक के काटा है यहाँ पे इस बार, यही करना है, जैसे ही कोई अंदर खींचे तो आपको झटकना है, खींचना नहीं है, सीखते रहें। तो दोस्तों मैच स्टार्ट होना है और फरहान भाई हमारे साथ है, अकेले ग्राउंड में आ गए, और पतंग को चमकाते कैसे हैं वो हमें दिखा रहे हैं फरहान भाई। देखिए पतंग को चमकाते टाइम हाथ देखिए कैसे होती है, फिर मैं अभी पतंग दिखाता हूँ कि कैसे वो चमकती है, दिखाइए ज़रा फरहान भाई, ये देखिए, ये देखिए ठीक है, ये जो झटके मार रहे हैं ये तो वहाँ पर पतंग चल रही होगी, ये चेक करते हुए चलिए पतंग की तरफ देखते हैं कि पतंग जब ये चमकाते हैं या चलाते हैं तो पतंग कैसे चलती है, आइए पतंग की तरफ चलते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पतंग कैसे चलती है जब हम चमकाते हैं, चलिए चलाइए, ये देखिए दोस्तों ये देख रहे हैं पतंग कैसे चल रही है, इसी तरह पेच पे चलाते हैं, देखिए ये देखिए कैसे नीचे की तरफ जा रही है, ये देखिए इसी को कहते हैं चमकाना। ठीक है कई सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि चमकाना किसे कहते हैं, तो इस तरह से चमकाते हैं। तो क्या चमकाते टाइम फरहान भाई जैसे आप थपकी लगा रहे हैं हाथों से तो क्या डोर भी छोड़ते हैं क्या, डोर छोड़ी जाती है, अच्छा चमकाते टाइम पतंग में झोल होना चाहिए तभी चलेगी भी आगे, चमकेगी नहीं हवा में तेज, देखिए हवा कम हो गई हाँ तो पतंग चमकेगी, लेकिन हवा में तेजी जब होगी तो आपका डोर भी निकल गई साथ ही साथ। तो बहुत ही बारीक जानकारी दी, हालांकि क्लब हाँ ऐसे ऐसे करेंगे तो इधर उधर हो जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे हो जाएगी, ये देखिए जब डोर पास कर रहे हैं तो यूं चल रही है, पतंग चमकाना भी एक कला, ये देखिए अब आप हाथ भी देख रहे हैं और पतंग भी देख रहे हैं, ये देखिए ऊपर की तरफ अब और हाथ देखिए, ये खींचा खींच में तो बादशाह है, पतंग लड़नी है बहुत ही तगड़ी, इलाहाबाद की शानदार टीम आ रही है और लखनऊ की लड़ेगी बाहुबली, और आप जानते हैं कि बाहुबली से हमेशा जब प्रदेश का गेम होता है तो फरहान भाई ज़रूर रहते हैं। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, नीचे की तरफ से जावेद भाई हैं और ऊपर से आ रहे हैं एक बार फिर से मानस भाई, चलिए जावेद भाई ने पिछला पेच बहुत ही अच्छा काटा था, अज्जू भाई ने इंतज़ार किया था, जैसे ही जावेद भाई का गद्दा आने वाला था उन्होंने अंदर रुख दिखाया लेकिन जावेद भाई ने झटक लिया, बहुत ही अच्छा पेच। चलिए मानस भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली, ऊपर से एक बार फिर से पेच लेते हुए लगातार ऊपर से गद्दे मार के लखनऊ की टीम को दे रहे हैं, आगे जाइए। चलिए जावेद भाई की पतंग देखिए ऐसा लग रहा है थोड़ा सा अंदर का कुंडा है, जब भी वो मोड़ रहे हैं तो अंदर की तरफ आ रही है, चलिए ठीक है अंदर की तरफ लाते हुए ऊपर से मानस भाई रखते हुए, देखिए ध्यान से राइट साइड वाली पतंग मानस भाई की, हमारे पेच की दूरी 400 मीटर ठीक है, और अंदर की तरफ खड़ा करते हुए पतंग को, मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लोज कर रखा है तो इसलिए आपको पतंगें पास लग रही होंगी, चलिए ठीक है और अंदर लेके आते हुए लगातार जावेद भाई, अब बिल्कुल गद्दा बिल्कुल
बगल में रखा है मानस भाई ने पतंग को, सीधा सीधा खड़ा शो किया है। मानस भाई ने गद्दा मारा, पूरा मार दिया और पूरा मार गया गद्दा। बहुत अच्छा पेच काटा यहाँ पे मानस भाई ने। हल्के हल्के झूठे से दिखाया था कि गद्दा मारेंगे, लेकिन वो गद्दा पूरा भर दिया, अंदर मोड़ने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि जैसे अंदर मोड़ा झोल पीछे गया, उसी झोल पे गद्दा पड़ा। शानदार ये मानस भाई का एक और। आइए दोस्तों इस पेज को समझेंगे। नीचे का पेज ले रहे हैं इस बार हमारे फरहान भाई, और ऊपर का पेज ले रहे हैं आई हिपी भाई। चलिए हाँ चलिए हिपी भाई ऊपर से, जहर भाई से लड़ रहा है। आइए हिपी भाई लेफ्ट साइड, और नीचे की तरफ से फरहान भाई ने पतंग को अपने बीचों बीच रखा है। चलिए देखते हैं, ऐसा लग रहा पेज फंसाएंगे हमारे एपी भाई। देखिए तौक पतंग ले रखे हैं, बढ़िया पतंग दिख रही है। और जो राइट साइड वाली पतंग है देखिए तेज तेज चला रहे हैं हमारे फरहान भाई। पेज की दूरी लगभग 400 मीटर। हल्के हल्के हाथों से चलते हुए हमारे एपी भाई पतंग भारी भरकम ले रखे हैं, ज़्यादा जगह नहीं दे रहे हैं फरहान को। चलिए अंदर की तरफ उतारते हुए एपी भाई, वो भी अंदर की तरफ लेके आए इस बार, देखते हैं क्या करना है। बिल्कुल खड़ा खींचा है, रोकी पतंग खड़ा। बहुत सारे पैतरे अपनाए गए थे, हिप्पी भाई ने जल्दी से मुड्डा नीचे ले जाके सीधा खड़ा खींचा था, तो उन्होंने अंदर को पतंग करके झटका था। चलिए फिर से एक बार कोशिश करते हैं। बढ़िया जगह दोनों की बन गई है, ठीक है बाहर की तरफ ले रहे हैं। बहुत करारा पेच ये काटा है, झोल काट दिया यहाँ पे। शानदार फरहान भाई इस चीज़ में बहुत ही अव्वल नंबर पे हैं। कभी भी ऐसा आसपास अगर आप पतंग को रखेंगे वो अंदर की तरफ खींच के आपका झोल काट देंगे, तैयार रहना इस चीज़ के लिए। फरहान भाई ने बहुत ही चतुराई से पतंग को चला चला के एकदम ऊपर कर लिया। उसके बाद जैसे ही देखा वो अंदर का मुड्ढा ला रहे हैं, हल्का सा बाहर दिखा, उसके बाद तुरंत अंदर तेज खींचा जिससे कि उनका झोल कट गया। ये चीज़ सीख लीजिए, बहुत ही काम आएगी। दोस्तों काइट कल्चर की ये मुहिम रही है कि पतंग के खेल को किसी भी तरह अच्छे से अच्छे घर तक पहुंचाना, सभ्य लोगों तक पहुंचाना, जो उनके मन में विचार है कि भाई ये खेल जो है ख़राब है। वो इसी वजह से कि आप जो गाली गलौज करते हैं, आप गुटखा पान मसाला खाते हैं, किसी भी तरह उठ के आना और खेलने लगना, जिसकी वजह से ये दूर से खेल बहुत ख़राब दिखता है, जो कि ऐसा है नहीं। क्योंकि विश्व भर में पूरी दुनिया में पतंग अलग अलग उसका रूप होता है, कोई बड़ी पतंग उड़ाता है, कोई बहुत बड़ी पतंग उड़ाता है, लेकिन पतंग उड़ती हैं। लेकिन ये पतंग ख़राब है जो हम लोग उड़ाते हैं, क्यों? गाली गलौज, गुटखा पान मसाला, ऐसा ना करिए। अपनी जर्सी ज़रूर बनवा लें, शूज़ में खेलें। आइए दोस्तों एक बार फिर से फरहान भाई का पेज देखते हैं। ऊपर से हमारे भाई मेराज ले रखे हैं, भारी भरकम अच्छी पतंग लड़ाते हैं, बिल्कुल सही बोल दिया गया है। जो राइट साइड वाली पतंग दिख रही है आपको, नीचे नीचे चक्कर खाती हुई है हमारे फरहान भाई के। पिछला पेज क्या ही पेज काट दिया था, बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं लगा हमारे एपी भाई को। चलिए बाहर की तरफ भरते हुए हमारे मिराज भाई, देखते हैं। उन्होंने चक्कर दिया, क्रॉस खींचा है तेज, बहुत अच्छा पेच यहाँ पे एक बार काटा है, बहुत शानदार, बिल्कुल मारा है बाहर की तरफ, लेते ही चले गए, उनकी पतंग कहीं ना कहीं हल्की पड़ी। भाई मिराज ने शानदार ये पेच काटा। सब भाई दिल्ली के संजीव भाई का चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू मिराज भाई, बढ़िया चैनल है। कैसा लगता है वैसे? फर्स्ट क्लास संजीव भाई। मतलब सारे खिलाड़ी अच्छे से दिखते हैं, एक से एक खिलाड़ी, और अच्छा पेज बिल्कुल सही तरीके से। थैंक यू सर। आइए दोस्तों अजहर भाई का हम अपना पेज देखते हैं। नीचे की तरफ से गए हैं, इससे पहले बढ़िया पेज काटा था भाई मिराज ने। जैसे ही क्रॉस मारने गए थे, मतलब मार ही दिया था, उनकी पतंग हल्की पड़ गई। यहाँ पे मानस भाई खड़े हैं और बिल्कुल मिराज भाई बाहर की तरफ खींचते चले हुए गए। चलिए सही हो गई ये पतंगे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे भाई अजहर भाई की है, और मानस भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली है, बिल्कुल कॉर्नर पे लिए हुए हैं। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी अब देखेंगे दोनों का मैच, यानी ये पेच। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए हमारे अजहर भाई, बिल्कुल बीचों बीच ले जाके गद्दा को रखा अजहर भाई ने, खींचा चलाई पतंग, उन्होंने गद्दा मारा, बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे अजहर भाई ने। सीधा सीधा मुड्ढा खींच ले गए चला चला के, कहीं ना कहीं जो गद्दा उतरा है वो खड़ी खड़ी पतंग पे उतार दिया, जिसकी वजह से दिक्कत हो गई यहाँ पे हमारे भाई मानस जी को। आइए दोस्तों इस पेज को समझ लेते हैं। बिल्कुल खड़ा खड़ा पतंग को लेके आ रहे बाहर की तरफ हमारे अजहर भाई,
और जो राइट साइड वाली पतंग खिंचती हुई चली आ रही है हमारे जावेद भाई की है। चलिए सीनियर प्लेयर हमारे जावेद भाई, अजहर भाई भी सीनियर प्लेयर, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए एक पतंग ने ले रखा है सामने, देखिए थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। चलिए अजहर भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, बिल्कुल सीधा सीधा किया हुआ है उन्होंने, गद्दा मारा है पूरी तरह से, देखते हैं झटक रहे हैं बहुत अच्छा। जावेद भाई ने झटक के काट दिया, आखिरी में जो झटक दिया वहीं पे कहीं ना कहीं गलती हो गई यहाँ पे अजहर भाई को भी, तेज तेज अगर पट पे खींच देते पूरी ताकत लगा के तो उनका ये जो झटका था कट सकता था। आइए दोस्तों ये पेस देखते हैं, हमारे सलमान भाई लड़ाने आए हैं। चलिए नीचे वाली जो पतंग है हमारे जहर भाई की है, सही बोल दिया गया है, पतंगें दिखनी चाहिए बस किसी हाल में वो दिख रही हैं, बढ़िया रेंज अच्छी चल रही है, आपको समझ आना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो याद रखिएगा मैं अपने बातों पे कायम रहता हूँ, गुटखा पान मसाला का सेवन ना करें, जर्सी नहीं बनवा रहे हैं आप लोग, जर्सी बनवाइए यार, गेम है सपोर्ट करिए, गेम को आगे बढ़ाना है। चलिए सलमान भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है ऊपर से हैं और जहर भाई पतंग नीचे से लिए हुए हैं। चलिए मिस्टर इंडिया के खिलाफ बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था जहर भाई ने, सलमान भाई काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ से आते हुए बाहर निकाल रहे हैं, जहर भाई पतंग को चक्कर दे रहे हैं, बाहर निकाला अब अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। चलिए ठीक है सलमान भाई हल्का बाहर लेके आ रहे हैं, देखते हैं गद्दा बनाया रखा उन्होंने भी बाहर लिया, सलमान भाई ने बिल्कुल गद्दा भरा है और इसी मुद्दे पर थी, अब उसी पे गई है, अगर यही घूमती तो मैं मानता शायद उसका पड़ गई है, अब उतार लो कोई बात नहीं भाई, इनका भी दिल हो जाएगा और ये तो क्या कह रहा हूँ, अब वो भी आदमी मुतमईन और वो भी जो लड़ा रहा था, मैं कैसे कह दूँ भाई, वो चीज नहीं कहने का मतलब ये पर्चा नहीं, आप खुद बता दो, अगर ये पतंग फट गई तो पर्चा आपको अजहर भाई पतंग उतारते हुए आइए जानते इस पतंग का क्या रूल है, इस पेज का क्या रूल है अजहर भाई, जैसे अगर हाँ अगर संजीव भाई पतंग इनकी छूकर आई है नीचे जमीन पे तो पेच इनका कट गया, यानी अगर अपोनेंट या किसी का भी पतंग नीचे जमीन पे छू जाए छूकर आए तो पेच कटा वो पेच कट जाएंगे। अच्छा तो सामने वाले को मिल जाए, तो ऐसा रूल है दोस्तों कि अगर आपका गद्दा पड़ता चला जा रहा है और आपकी पहले पतंग छू जाए, क्यों जावेद भाई जी जिसकी छू जाएगी वो कट गई पतंग, चेक हमारी हो किसी की भी हो, कुल मिला के ये है। तो ये तो सारी जानकारी उनके लिए दे रहे हैं जिनको नहीं पता है, दोस्तों समझते रहें सीखते रहें। आए दोस्तों जावेद भाई का इस बार पेज देखेंगे ऊपर की तरफ से और नीचे से जहर भाई का पेज है। चलिए यहाँ पे पेज देखिए चल रहे हैं, नीचे वाली पतंग देखिए राइट साइड वाली हमारे जहर भाई की है, ऊंचा ऊंचा करके रखे हुए हैं, अब अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, बिल्कुल चेहरे की तरफ जावेद भाई बढ़ते हुए उन्होंने बाहर को लिया। चलिए अब पेज फेरे जा रहे हैं, माफ़ कीजिएगा। चलिए नीचे की तरफ से जहर भाई आते हुए बहुत तेज तेज पतंग को चलाते हुए, जब कोई प्लेयर खिलाड़ी पतंग को चलाता है तो अलग ही मज़ा है, बढ़िया। चलिए जावेद भाई ने पतंग को सही बोला है, यानी पेज सही बोल दिया गया, उधर से भी सही की आवाज़ आ गई है अंदर की तरफ से, तेज हाथों से जहर भाई चलते हुए नीचे की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली, ये ऊपर से है लेफ्ट साइड वाली जावेद भाई की, पेज की दूरी लगभग 350-400 meters के करीब, थोड़े से कम पेज चल रहे क्योंकि हवा जो है थोड़ी कम हो गई है। चलिए अंदर की तरफ बढ़ते हुए हमारे इस बार जावेद भाई,
चलिए देखते हैं, ऊंचा ऊंचा करके लेके आए हैं। ये देखिए हमारे जैर भाई की पतंग, जावेद भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है। चलिए बाहर को गद्दा दिखाते हुए बना रहे हैं, बाहर को दिखाते चले जा रहे हैं। जैर भाई ने थोड़ा बाहर किया, पतंग को तेज तेज चलाया है, बिल्कुल सीधा गद्दा मारा है उन्होंने, क्रॉस पे पट खींचा है, बहुत ज़्यादा तेज, बहुत ताकत लगाई इस बार। पिछली बार यही हुआ था जब फरहान भाई कटे थे हमारे भाई मेराज से, तो उनकी पतंग में हवा नहीं लगी और इनकी पतंग में शानदार हवा लगी नीचे की तरफ और अच्छी पतंग निकली है क्रॉस पे। अच्छा पेच काटा है यहाँ पे। वो देखिए जैर भाई हैं खड़े वाइट टी शर्ट। ये चच्चा की ओर से। आइए दोस्तों लगातार एक और पेस देखते हैं, ऊपर का पेस लेते हुए इस बार हिप्पी भाई, सही बोल दिया गया, नीचे की तरफ से पेच को लेते हुए जैर भाई फिर से। पिछला पेच बहुत ही अच्छा काटा, बिल्कुल क्रॉस पे पट मारा था, बिल्कुल चढ़ते हुए चले जा रहे हैं और हिप्पी भाई भी पतंग को ऊंचा ऊंचा किए जा रहे हैं। जैर भाई की तो पतंग दिख रही है, सीधा खींचा, चक्कर दिया और अंदर लिया। चलिए हिप्पी भाई ने पतंग को वहीं रोकी, फिर से नीचे लेके आ रहे हैं, चेहरे की तरफ से लड़ाना चाह रहे हैं हिप्पी भाई। उन्होंने पतंग नीचे ली, अब पेच ले रहे हैं फिर से, कोशिश होगी एक बार फिर से लड़ाने की। मैं बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हूँ। ठीक है, अंदर की तरफ से आते हुए एक बार फिर से जैर भाई, हिप्पी भाई हल्के हल्के हाथों से पतंग को छोड़ते हुए चल रहे, यानी लंबे करके रखी हुई है। गद्दा बनाया उन्होंने, नीचे किया, खाली कराया, एक बार फिर से मुड्डा बदल के हिप्पी भाई ने पूरा गद्दा मारा, उन्होंने क्रॉस की तरफ बाहर की तरफ खींचा, बहुत अच्छा पेच, एक बार फिर से ज़बरदस्त ये पेच काटा और इसका भी लुफ्त उठाते रहिए। ये देखिए बच्चे पतंग पकड़ रहे हैं, मांझा पकड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर जा रहा है, हवाई जहाज। आइए दोस्तों अजहर भाई का पेच देखते हैं, इस बार ऊपर का पेच ले रहे हैं, बिल्कुल सही बोल दिया है। जैर भाई नीचे की तरफ से बढ़ते हुए, ये देखिए लेफ्ट साइड अगर आप पतंग देखेंगे हमारे अजहर भाई की है, और तेज तेज हाथों से पतंग को चलाते हुए जैर भाई अंदर की तरफ लेके आते हुए काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा है, नीचे की तरफ दिखाया है उन्होंने, बाहर को गद्दा शो किया, उन्होंने भी क्रॉस की तरफ बाहर की चारों की पतंग बिल्कुल खींच गए, लेकिन इन्होंने खड़ा गद्दा मारा है, उन्होंने पट करके मारा था तेज, लेकिन काम बना नहीं, कहीं ना कहीं पतंग में झोल आया, हल्की पड़ी और सीधा गद्दा उतारा है इस बार, कई सारे मुड्ढे बदले गए हैं, क्या बात है, लाजवाब ये पेच काटा हमारे अजहर भाई ने। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं हमारे जावेद भाई का, लखनऊ की टीम से ऊपर से पेच लेंगे और नीचे की तरफ से भाई मेराज हैं, बढ़िया पेच फेरे जा रहे हैं अभी, सही बोल दिया गया। जो ऊपर वाली पतंग दिख रही है राइट साइड की तरफ, ये जावेद भाई की है, सही हो गया है बिल्कुल, थोड़ा घट करके रखा है इस बार भाई मेराज ने। लेफ्ट साइड वाली पतंग है भाई मेराज की, देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं। आइए कोशिश करते हैं एक बार फिर से अंदर की तरफ से, दोनों की दोनों अंदर की तरफ बढ़ते हुए, अंदर का मतलब अपने अपोनेंट की तरफ लेके जाना। चलिए खड़ी कर लिए पतंग, गद्दा रखा, दोनों ही झटके मार रहे हैं, छूने रही पतंग, अंदर खड़ा खींच रहे हैं, बहुत अच्छा पेच काट दिया यहाँ पे भाई मेराज ने, जैसे ही मौका मिला झोल को समेटते हुए खींच के ले गए, झटके दोनों मार रहे थे शुरू शुरू में, दोनों झटक रहे थे लेकिन झोल आ नहीं रहा था, जैसे ही जावेद भाई ने 2 सेकंड का मौका दिया बस वहीं पे खींच के सीधा सीधा खड़ा खींच लिया, अच्छा पेच काटते हुए हमारे भाई मेराज। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेच देखेंगे हम अजहर भाई का, और फिर से आए हुए हैं नायाब भाई, इस बार नायाब भाई आए हुए हैं। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए नायाब भाई देखेंगे ध्यान से, और ऊपर से बाहर को तरफ निकालते हुए देखिए लेफ्ट साइड वाली हमारे अजहर भाई की है, तेज हाथों से चलते हुए चले जा रहे हैं, उन्होंने बाहर की तरफ बनाया, रोकी पतंग और ये देखिए उनका झोल कट गया, अच्छा पेच काटा यहाँ पे एक बार फिर से अजहर भाई ने। फरहान भाई का पेच चलता हुआ, नीचे से सलमान भाई देखते हैं,
सलमान भाई पतंग लगातार नीचे नीचे लिए हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ये देखिए चलती चली आ रही अंदर अंदर, ये हमारे सलमान भाई की है। फरहान भाई की पतंग देखिए चक्कर खा रही है। हल्के हाथों से दोनों खेल रहे हैं पतंग को, अंदर की तरफ बढ़ाया। ठीक है, रखा सही जगह पे, बहुत ताकत से खींच के ये कहीं ना कहीं रुख दिखा रहे थे लेकिन रुख में इतनी ताकत लगी नहीं। बहुत ज्यादा तेज गहरा गद्दा मारा है यहाँ पे फरहान भाई ने, शानदार ये पेच काटा। आइए दोस्तों फरहान भाई का पेच देखते हैं, ऊपर से पेच ले रहे हैं और नीचे की तरफ से इस बार गए हैं हमारे भाई मेहराज। थोड़ा मैं हट जाता हूँ, चलिए ऊपर से चढ़ते हुए हमारे फरहान भाई। पतंग देखिए राइट साइड वाली ऊपर वाली है, भाई मेराज की पतंग नीचे से है। काफ़ी अच्छा पेच काटा था एक हमारे फरहान भाई को मेराज भाई ने। चलिए काफ़ी नीचा कर लाए, बिल्कुल पतंग के आसपास रखा है दोनों ने, हटाई पतंग, थोड़ा सा लंबे करके रखा है फरहान भाई ने। नीचे को गद्दा दिखाया, उन्होंने बाहर को लिया, फिर बाहर को मारा, उन्होंने पट किया और बहुत अच्छा पीएच पे रोक लिया है। देखते हैं क्या होता है। ओहो, यहाँ तो दिक्कत हो जाएगी मेरे ख्याल से फरहान भाई को। पट पे झटक दिया, बहुत उंदा पेच काटा है भाई मेरा, बहुत ही शानदार, बिल्कुल पेच ऑफ द मैच ये पेच काट लिया है भाई मेराज ने। इंतजार किया, रोके रखा, दोनों ही चक्करों पे चल रहे थे और वहीं पे पट पे झटक के शानदार बिल्कुल पेच ऑफ द मैच। अपनी पे ये आएगा चुपन में आसमां में मुद्दों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। तुरंत अगला पेच फेरते हुए फरहान भाई, देखिए इससे पिछला पेच तो क्या ही काटा है मेराज भाई ने, बिल्कुल इंतजार किया और थपक लिया। चलिए बिल्कुल बाहर लेते हुए मेराज भाई राइट साइड पे देखिए फरहान भाई की बिल्कुल खड़ा खींचते हुए चले जा रहे हैं और गद्दा पड़ गया इस बार फरहान भाई का। ऐसा लगा अगला ही पेच बदला लेने आए फरहान भाई, फिलहाल पेच काटा है ये गद्दा मार के। आइए दोस्तों पेच को सही बोल दिया गया, ऊपर से पेच ले रहे हमारे जावेद भाई। देखिए पतंग ऊपर वाली जो जावेद भाई के लेफ्ट साइड वाली नीचे है फरहान भाई, इससे पिछला पेच गद्दा मार के काटा था। उससे पिछला पेच जो काटा था भाई मेराज ने, बहुत ही शानदार पेच काटा था, जो पटो पट पे झटक लिया था जैसे ही पेच फंसे हुए थे, अल्टीमेट पेच काटा था भाई मेराज ने। चलिए जावेद भाई का ये पेच देखते हैं, ये पेच थोड़े से घट पर लड़ रहे हैं 300 मीटर पर करीब। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए हमारे फरहान भाई और ऊपर से रखते हुए जावेद भाई बाहर को ले रहे हैं। देखते हैं दोनों ही अपनी जगह भी बदल रहे हैं, दोनों पतंग को घट करते चले आ रहे हैं। घट का मतलब होता है पतंग को नीचे उतारना काफी ज्यादा। चलिए हाथ की तरफ बढ़े हुए थे जावेद भाई, तो पतंग जल्दी से बाहर निकाला, थोड़ी सी बढ़ करके हल्की सी चल रही है यहाँ पे फरहान भाई की, काफ़ी भारी भरकम पतंग ले रखी है हमारे जावेद भाई ने। चलिए जगह दोनों बनाते हुए, पतंग की दूरी लगभग 200 मीटर मेरे पास से 200 मीटर के करीब पतंग आ गई है। चलिए ठीक है, और कम करते हुए लाते हुए जावेद भाई की पतंग देखिए ऊपर वाली है, दिल्ली से इंडियन काइट क्लब के खिलाफ लड़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, हल्के हल्के हाथों से सीधा सीधा पैरेलल खींच रहे हैं, तेज हाथों से खींचते हुए चले जा रहे हैं। रोकी पतंग चक्कर दिया, जावेद भाई भी पतंग और उतारते हुए हल्के हल्के अंदर की तरफ अब बढ़ रहे हैं। जावेद भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली है, लेफ्ट साइड वाली है बिल्कुल, गद्दा रखा अंदर की तरफ निकाल रहे हैं, उतार रहे हैं, झटक रहे हैं, पट पे झटका है, भारी भरकम पतंग पड़ेगी कहीं ना कहीं। सीधा सीधा खींच रहे हैं, बहुत तेज, रुकेगी लड़ेगी नहीं। एक बार फिर से होंगे इस बार पेच कहीं ना कहीं। आइए दोस्तों वही पेच कंटिन्यू हो रहा है, नीचे की तरफ से बढ़ते हुए हमारे फरहान भाई, ऊपर से जावेद भाई हैं। पेच की दूरी इस समय है 350 मीटर के करीब, काफ़ी ज़्यादा पिछला पेच उतारा आया था। चलिए नीचे की तरफ से तेज हाथों से बढ़ते हुए फरहान भाई, जो लेफ्ट साइड वाली पतंग दिख रहा हमारे जावेद भाई की है। चलिए ठीक है, थोड़े पेच कम रेंज में आते हुए फिर से ठीक है, भारी भरकम पतंग लिए हुए हैं जावेद भाई कहीं ना कहीं,
चलिए नीचे नीचे फरहान भाई आते हुए ऊपर से जावेद भाई, देखते हैं क्या होता है। मेराज भाई की ये टीम आई है, अज़र भाई उनके साथ, हमारे सलमान भाई आए हुए हैं, हमारे हिप्पी भाई आए हुए हैं। चलिए बहुत ही सम्मानित लोग ये दिल्ली के और उतने ही ख़तरनाक प्लेयर हैं ये। चलिए कई लोग उसमें ऑल इंडिया विनर और ख़ास नाम जो है हमारे भाई मेराज का, अज़र भाई का, सलमान भाई का। चलिए हल्के हल्के हाथों से इधर उधर करते हुए पतंग को पास लेके आए जावेद भाई, अंदर उतार रहे हैं, उन्होंने बाहर की तरफ तेज खींचा है और ये देखिए बढ़िया पेच काट दिया, जल्दी से मुड्ढा ऊपर करते अपोनेंट की तरफ, आसमान की तरफ और झटकते हुए पीछे आते तो मज़ा अलग होता। यहाँ पे तेज प्रहार किया है फरहान भाई ने। आए दोस्तों अगला पेज देखते हैं, दिल्ली के एक और धुरंधर खिलाड़ी, बहुत ही जाने माने खिलाड़ी की पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से पेच है, जो लेफ्ट वाली पतंग है ये ऊपर से हमारे हिप्पी भाई की, और नीचे से एक बार फिर से जगह बनाते हुए तेज हाथों से देखिए, राइट साइड वाली पतंग देखिए तेज तेज हाथों से आते हुए। चलिए देखिए कैसे पतंग चलाते हैं फरहान भाई, थोड़ा सा बाहर निकाला, जैसे उन्होंने गद्दा दिखाया देखिए बाहर निकाल रहे, वो और अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं तो ये और घेर रहे हैं, ऊपर की तरफ पतंग कर रहे हैं। चलिए बाहर की तरफ फिर से दिखाया है हिप्पी भाई ने, अंदर का गद्दा दिखाया, थोड़ा सा बाहर लिया, अब चलिए उन्होंने खड़ा खींचा, उन्होंने गद्दा पे थपका है, उन्होंने रोकी पतंग और ये थपकते हुए ऊपर उठा लिया। बेहतरीन ये गेम खेला गया है, ये पेस तो बहुत ही अच्छा काटा है हिप्पी भाई ने, शानदार, बिल्कुल अंदर का गद्दा उतारा था, ये देख के फरहान भाई ने रोक ली, लेकिन फरहान भाई की पतंग पड़ गई हल्की और हिप्पी भाई की पतंग देखिए मीडियम भारी भरकम पतंग है, और वो भी कटे नहीं थे, आखिरी में जब थपक के उठा रहे थे तब उस झटके से कटे हैं हमारे फरहान भाई। अरे दोस्तों मानस भाई का ये पेज देखते हैं, ऊपर से पेज ले रहे हैं और नीचे से हिप्पी भाई आए हैं, पिछला पेज बढ़िया काट के नीचे की तरफ गए हुए हैं। मैं मानस भाई के बिल्कुल लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ, बीचों बीच नहीं खड़ा हूँ, बिल्कुल लेफ्ट साइड आके दोनों प्लेयरों को खड़ा हूँ। चलिए मानस भाई की पतंग देखिए ऊपर वाली राइट साइड वाली है, और हिप्पी भाई अंदर बढ़ते हुए तेज हाथों से, थोड़ा सा मानस भाई बाहर की तरफ लेके आ रहे हैं, अब अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए ठीक है, और जैसा कि मैंने कहा अगर आप बाहर से आ रहे तो ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कर दें, नंबर नहीं है तो ऑफिशियल काइट कल्चर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर ले, मैं आ जाऊँगा। चलिए बढ़िया रखा यहाँ पे गद्दा, बाहर को दिखाया है, उन्होंने पट मारा है, पूरा गद्दा उतारना होगा और बढ़िया गद्दा मारते हैं मानस भाई का, कोई जवाब नहीं, शानदार ये गद्दा मारते हुए हमारे मानस भाई। उड़ा लो, आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, ऊपर का पेज ले रखे देखिए, बढ़िया पतंग दिख रही है तौख हमारे भाई मेराज की। चलिए देखते हैं ऊपर से ले रखे पेज, स्टिकर भी शानदार चमकता हुआ, स्टिकर के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिल्ली के बहुत ही मशहूर डिज़ाइनर हैं स्टिकर के, काफिल भाई से। इसके अलावा सुशील काइट सेंटर को भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए अंदर की तरफ उतारे, उन्होंने बाहर को खींचा है पट पे, बहुत अच्छा पट पे खींच के काट दिया है, आखिर में झोल लग गया कहीं ना कहीं, जो नीचे वाली पतंग खींचती हुई जा रही थी पट पे जो खींच रही थी बाहर को, उसी का झोल लग गया भाई मिराज के मांझे में और उसी वजह से वो कट गया, क्योंकि नीचे हवा नहीं लगेगी। और ये देखिए हमारे ब्लू वाले जो भाई हैं, हमारे लोवर जो पहने हुए हैं पूरा पूरा, उन्होंने काटा शानदार पेज, स्क्रीन पर इनका नाम भी आ रहा होगा। कैसे छोटो, आइए दोस्तों हमारे जावेद भाई का पेच ऊपर से है, देखते हैं नीचे की तरफ से बढ़ते हुए एक बार फिर से, वहीं हमारे भाई देखिए यहाँ पे खड़े हैं ये ब्लू लोवर में, ऊपर से रखते हुए जावेद भाई एक बार फिर से, जावेद भाई काफ़ी भारी भरकम पतंगे उड़ाते हैं और बढ़िया रिजल्ट देते हैं। चलिए जावेद भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, बिल्कुल ऊँचा ऊँचा करते चले जा रहे हैं, चक्कर दिया नीचे की तरफ लेके आ रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए दिल्ली से, और नीचे वाली जो पतंग जो पट पे आ रही है, यानी नीचे का मुड्ढा होता है, जब नीचे वाला पतंग नीचे करेगा ना उसे कहते हैं पट, और जब ऊपर वाला पतंग नीचे लाएगा तो उसे कहते हैं गद्दा, या तो अंदर जाता हुआ या बाहर आता हुआ या सीधा सीधा, ठीक है ना दोस्तों, समझते रहें। ये सारे वर्ड्स हैं पहले से चलते आ रहे हैं, किसी ने बनाए होंगे, गद्दा, अब गद्दे का कोई मतलब नहीं है नीचे पतंग जा रही, लेकिन गद्दा है पट
बट तो तब भी समझ में आ रहा है। कोई गिद्दा बोलता है कानपुर में, मेरे ख्याल से गिद्दा बोला जाता है शायद। चलिए फिलहाल जावेद भाई ने जगह बना ली है, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं लखनऊ के प्लेयर ने पट किया, क्योंकि लखनऊ का प्लेयर नीचे से, इसलिए जब वो नीचे करे तो मैं कह रहा हूँ पट। और देखिए ऊपर से गद्दा बाहर को तरफ दिखाते हुए जावेद भाई ने पतंग को चमकाया, अंदर की लिए, बाहर लिया, अंदर फिर लेके जा रहे हैं। ऐसे ऐसे करके कहीं ना कहीं झोल उतारते हैं, सही करते हैं मतलब। ठीक है यहाँ पे, ठीक है और अंदर लेके आ रहे हैं। पतंग देखिए कितनी बड़ी लग रही है, यहीं से तो समझ में आ रहा होगा पतंग का साइज़ क्या है। चलिए वो अंदर को चलते चले आ रहे हैं इस बार, ठीक है, और अंदर की तरफ बढ़ा रहे हैं लखनऊ के प्लेयर। उतना ही जावेद भाई बाहर की तरफ निकालते हुए लेके जा रहे हैं, सीधा सीधा पतंग खड़ी करके ला रहे हैं वो अंदर की तरफ ले जाके। गद्दा बाहर की तरफ बनाया जावेद भाई ने, बिल्कुल गद्दा मारा है उन्होंने भी, अब खींचा है पूरी ताकत लगाई है। ये पतंग भारी है, ये जावेद भाई की पतंग भारी है। खींचा तो बहुत तेज़ था आपने देखा, लेकिन जावेद भाई की पतंग क्योंकि जानदार थी और गद्दा भी जानदार मारा हमारे जावेद भाई ने। आइए दोस्तों इस पेज को समझते हैं। नीचे की तरफ से बढ़ते हुए हमारे अजहर भाई हैं और ऊपर से अज्जू भाई हैं। चलिए देखते हैं, काफ़ी बढ़ करके रखा है यहाँ पे अज्जू भाई ने। बाहर की तरफ निकालते हुए अजहर भाई भी, अब बाहर लेते हुए हमारे अज्जू भाई। मैं बार बार बताता रहता हूँ ताकि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, जब हम अपनी तरफ पतंग को खींचेंगे तो उसे कहेंगे बाहर। चलिए बाहर लिया है, पूरा गद्दा भरा है यहाँ पे अज्जू भाई ने, उन्होंने पतंग को चमकाया, तेज तेज खींचा, रोकी पतंग, पट खींचा है बहुत ज़्यादा तेज, अज्जू भाई भी मारते हुए चले जा रहे। बहुत अच्छा पेच टेक्निकल काटा, और वो देखिए हमारे अजहर भाई गिरे और अच्छा खासा गिरे हैं। फिलहाल देखते हैं, उन्होंने हाथ दिखा के कहा मैं सही हूँ, बिल्कुल सही है, ताकतवर अजहर भाई हमारे। आइए दोस्तों इस पेच को समझते हैं। हमारे फरहान भाई का पेच चल रहा है अजहर भाई से, देखिए अजहर भाई वहाँ खड़े होंगे, वो देखिए इधर देख रहे हैं। चलिए नीचे की तरफ से अजहर भाई हैं, ऊपर से हमारे फरहान भाई। देखिए लेफ्ट साइड वाली पतंग आपको दिख रही होगी, ये अजहर भाई की है। पेज की दूरी है 500 मीटर के करीब। फरहान भाई की पतंग ऊपर राइट साइड की तरफ, अंदर की तरफ जाते हुए अजहर भाई बाहर पतंग निकालते हुए, और अंदर जाते हुए फरहान भाई, अब वो अंदर की तरफ सीधा खड़ा खींच रहे हैं अजहर भाई। देखते हैं, ठीक है अंदर की तरफ उतारते हुए फरहान भाई तेज हाथों से लेके चलते हैं, उतने ही तेज हाथों से नीचे पटवट करके बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और बाहर लिया अजहर भाई ने, तेज हाथों से पतंग को चलाया, फरहान भाई ने बाहर को दिखाया, सीधा सीधा खींच रहे, उन्होंने तेज खींचा है, बाहर को खींचा, भर दिया है उन्होंने, अब क्रॉस मारा है पूरी ताकत लगा के। क्या होना है, पतंग घूम रही थी अजहर भाई की बाहर की तरफ, और साथ दिया यहाँ पे फरहान भाई के गद्दे ने, कहीं भी पतंग मुड़ी नहीं, सीधा गद्दा उतरा, शानदार ये पेच काटा अजहर भाई को हमारे फरहान भाई ने। आए दोस्तों जावेद भाई का एक बार फिर से पेच देखते हैं, ऊपर से पेच लेंगे फरहान भाई की पतंग नीचे वाली, देखिए राइट साइड वाली फरहान भाई की कैसे चलती चली आ रही है अंदर की तरफ। पिछला देखा था आपने गद्दा क्या मारा था, और अजहर भाई की पतंग घूम के जो है बाहर निकली थी, जिसकी वजह से एक झोल बना और उसी झोल पे पीछे गद्दा आता आ रहा था। चलिए अंदर की तरफ लेते हुए जावेद भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए जावेद भाई की, हमारे बढ़िया पेच इन्होंने भी आज काटे हैं। चलिए फरहान भाई अंदर की तरफ बढ़ाए हुए हैं, दोनों एक दूसरे के अपोजिट बढ़ाए हुए हैं, बाहर निकालते हुए जावेद भाई पतंग को हल्के हल्के हाथों से खड़ी करते चले जा रहे हैं। चलिए देखते हैं फिर जावेद भाई, भारी के कोई भी खिलाड़ी होगा वो ऐसे ही करके लड़ाता है, मैंने अक्सर देखा है, हल्के हल्के पतंग को धीरे धीरे उतारता हुआ चला जाता है। चलिए बिल्कुल गद्दा मारा है वहाँ पे, रोकी पतंग, खड़ा खींचा है, और ये गलती हो गई, खड़ा नहीं खींचना है, या तो पट अंदर की तरफ झटकना था या बिल्कुल वहाँ रोक के क्रॉस पट मारना था, यानी बिल्कुल ज़मीन की तरफ मुड्ढा लेके खींच लेना था। भारी पतंग थी, बिल्कुल सीधा खींच गए, झोल आ गया कहीं ना कहीं, और उसी झोल को पीछे खींचते हुए लेके चले गए जावेद भाई, बढ़िया फ्लैट बाहर खींच लिया। आइए दोस्तों देखिए भाई मेराज पेच ले रहे हैं नीचे की तरफ से, ऊपर से जहर भाई है। आइए पेच की तरफ चलते हैं, देखिए
लेफ्ट साइड वाली पतंग आपको दिख रही होगी हमारे भाई मिराज की, अंदर की तरफ चलते हुए ऊपर से जहर भाई। पेज की दूरी मेरे पास से लगभग 500 मीटर के करीब, प्लेयर्स के पास से सामने वाला जो है वहाँ से 400-450। चलिए अंदर की तरफ से उतारते हुए बाहर की तरफ जहर भाई ने गद्दा बनाया, उन्होंने क्रॉस पे पट पे खींचा है रोकी पतंग, फिर बाहर खींच रहे हैं वो अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। चलाई भाई मिराज ने सीधा सीधा खड़ा अंदर खींच रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी रोकी नहीं, फिर अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए एक बार फिर से पेश होंगे, ठीक है कोशिश कर रहे हैं दोनों। अंदर की तरफ से भाई मिराज चलते हुए चले आ रहे हैं, अब रखा यहाँ पे जहर भाई ने, घुमा रहे पतंग को इधर उधर कर रहे हैं, थोड़ा क्लोज कर लेता हूँ। चलिए देखते हैं, चलिए ठीक है पेच काफ़ी रेंज से कम हो गए हैं। चलिए बाहर को गद्दा भरा है रोकी पतंग, जहर भाई ने अब बाहर फ्लैट ही खींचा है, उन्होंने भी अंदर की तरफ तेज खींचा है, क्या होना है, बहुत अच्छा, काफ़ी ज़्यादा ताकतवर पेज लड़ा रहे हैं हमारे भाई मिराज ने, लगातार 6 पेज लड़ाए हैं, शानदार पतंग कैसे घूम गई देखिए ज़रा। जब भारी भरकम मीडियम पतंग होगी और इस तरह से आप उस मांझे पे लड़ेंगे तो ऐसे ही घूम जाएंगे। आइए दोस्तों, नायाब भाई का पेच चल रहा है, ऊपर से पेच ले रहे हैं, एक बार फिर से पेच लेंगे। पिछला पेच जानदार पेच काटा था, जानदार पतंग उड़ाते हैं हमारे भाई मिराज, बहुत ज़्यादा अनुभव रखते हैं, बहुत बड़ा नाम दिल्ली में। चलिए अंदर की तरफ से उतारते हुए नायाब भाई की पतंग देखिए, राइट साइड वाली ऊपर से है जो आपको राइट साइड दिख रही है, और बिल्कुल खड़ी पतंग करते चले जा रहे हैं यहाँ पे भाई मिराज, वो नीचे की तरफ नहीं लेके आ रहे हैं। चलिए अब लेके आए, पहल करना शुरू किया है यहाँ पे, चलिए ठीक है बाहर की तरफ लेके जाते हुए हमारे भाई मिराज, और उतना ही अंदर की तरफ लेके आते हुए जावेद भाई, माफ़ कीजिएगा नायाब भाई, ठीक है रखा है यहाँ पे, अंदर की तरफ जा रहे हैं, उतना ही बाहर लेके आ रहे हैं भाई मेरा। चलिए गद्दा रखते हुए नीचे की तरफ पूरा रखते हुए चक्कर लिया, बाहर को मारा है, उन्होंने भी रोकी, फिर से पतंग मुड्ढा मोड़ा है, सीधा सीधा क्या करना है, थपक रहे, बहुत अच्छा पेच काटा है यहाँ पे जावेद भाई ने, और ये देखिए उनकी भी पतंग चली गई, देखते हैं क्या होता है, ये पेच होते हैं कि नहीं, ये पेच है क्या, पेच है ये, कुल मिला के एक मुड्ढा दिख गया था जिसकी वजह से ये पेच मान्य हो गया, और अच्छा जाके जल्दी से गद्दा उतारा, वहीं पे चक्करों पे रोक लिया और उनका हल्का झोल कट गया, शानदार ये पेच काटा है नायाब भाई ने। ऊपर से हमारे फरहान भाई पेच लेते हुए, और नीचे से एक और बार अजहर भाई पेच लेते हुए, इन दोनों के पेच बहुत ही कड़ा मुकाबला चलता हुआ। अजहर भाई पतंग को नीचे नीचे रखे हुए हैं, तो फरहान भाई पतंग को देखिए ऊपर यहाँ पे रखे हुए हैं, मैं फरहान भाई के जस्ट राइट खड़ा हूँ, राइट पे अजहर भाई पतंग बाहर खींचते हुए अब अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली ये वाली जो पतंग दिख रही है ये ऊपर से है, चलिए देखते हैं, चक्कर दे रहे फरहान भाई अंदर की तरफ जाते हुए, और ये देखिए अजहर भाई भी अपनी जगह बदलते हुए पीछे की तरफ चल के आ रहे हैं ऐसे समझिए, और ये देखिए यहाँ खड़े हैं फरहान भाई, ठीक है चक्कर दे रहे फरहान भाई और अंदर की तरफ बढ़ते हुए। देखिए एक हाथ पे हमारे अजहर भाई की पतंग है लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड वाली पतंग ये देखिए यहाँ पे फरहान भाई की है। आइए चलिए सीधा सीधा ऊंचा ऊंचा किया है पतंग, बाहर की तरफ अब खींच रहे फरहान भाई, उन्होंने चक्कर दिया अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं अजहर भाई, अब बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, ऐसे कर करके कम करते हैं प्लेयर अपनी पतंग को। चलिए बाहर की तरफ गद्दा भरा है तेज हाथों से, उन्होंने क्रॉस की तरफ दिखाया गद्दा, मारा है पूरा ताकत से, बहुत करारा गद्दा यहाँ पे पड़ गया फरहान भाई का। आइए दोस्तों, जहर भाई का पेच चल रहा है नीचे की तरफ से पेच लेते हुए, और ऊपर से पेच ले रहे जावेद भाई, बहुत अच्छे पेच लड़ाए हैं जावेद भाई ने भी आज, भारी का गेम खेलते हैं, पतंग को कम करके लाते हैं और बिल्कुल अचानक से हाथ पे रख देते हैं ले जाके, और उस पे आप खींचेंगे तब भी कटेंगे, चक्कर देंगे तब भी कटेंगे। चलिए फिर से एक बार अंदर की तरफ से बढ़ते हुए जहर भाई की पोजीशन देखिए, यहाँ पे खड़े हैं, और जावेद भाई देखिए यहाँ पे खड़े हुए आगे की तरफ जा रहे हैं। चलिए पेज देखिए, अंदर की तरफ से जहर भाई चलते हुए पतंग को तेज तेज चलाते हुए, जावेद भाई थोड़ा सा बाहर खींचते हुए पतंग को गद्दा बनाया है, उन्होंने थोड़ा सा झुकाई ली, तेज चलाया जहर भाई ने, उन्होंने अंदर फिर से खड़ा खींचा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं, और इस बार बढ़िया पेच काटा है
मैं जहर भाई की पतंग को देख नहीं पाया, क्या किया था, झटका था क्या उन्होंने, तो झटक दिया है बाहर की तरफ और झटकते ही उनकी पतंग गिरी नीचे कारखाने में। आइए पूछते जावेद भाई से, इसमें क्या गलती रह गई? इसमें मुझे झटका मारना था, झटके मारने थे, उन्होंने झटके मार लिए थे। तो जावेद भाई बहुत अच्छे पेच काट रहे थे ऊपर की तरफ से। आइए देखते हैं कुछ हमारे सीनियर सर क्या बोल रहे थे। इन्होंने झटके मारते पतंग कटवाई है बस। अच्छा जो इधर उस बाहर जा रही है ना, वो इन्होंने बाहर नहीं निकाला, ठीक है, इसी वजह से कट गए। इसी वजह से पतंग कटी। तो उस्ताद ने बताया किस वजह से जावेद भाई कटे। आइए अगले पेज की तरफ। आइए दोस्तों एक फैन आए हैं हमारे, क्या नाम है आपका? शिवम यादव। शिवम, आप क्या काइट कल्चर देखते हैं? कैसा लगता है? बहुत अच्छा। समझते हैं पेच वगैरह? लड़ाते हैं घर से? मैदान आइए कभी हमसे लड़ाइए। अरे मैदान नहीं आते, अलाउ नहीं। घर से अलाउ नहीं है, ठीक है ठीक है, सीखते रहे। सलमान भाई का पेच चलता हुआ ऊपर से नीचे की तरफ से जहर भाई लिए हुए हैं। आइए देखते हैं, जहर भाई देखिए वहाँ खड़े हुए हैं। आइए, पेच की दूरी है 350-400 मीटर के करीब। ऊपर से सलमान भाई नीचे की तरफ लेते हुए चक्कर लिया और नीचे लाए, उन्होंने पतंग को चलाया एक बार, पूरी खींचा, फिर खड़ा अंदर की तरफ खींचा है। बहुत अच्छा पेच काटा है सलमान भाई ने, जवाब नहीं, वो देखिए सलमान, बहुत बढ़िया बढ़िया गद्दा मारा है पूरी ताकत से, उन्होंने रुख दिखाया था लेकिन तब तक पहुंच गए थे सलमान भाई। आइए दोस्तों पेच देखते हैं, फरहान भाई का ऊपर से है और नीचे से गए हैं इस बार हिप्पी भाई। चलिए देखते हैं ये सीधे पेच की तरफ, नीचे की तरफ से बढ़ते हुए हिप्पी भाई ऊपर से हैं। फरहान भाई देखिए अंदर की तरफ लेके जाते हुए, राइट साइड वाली ऊपर जो पतंग है ये हमारे फरहान भाई की है, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए हैं। नीचे की तरफ से देखिए हिप्पी भाई अंदर की तरफ से लेते हुए, बहुत ही अच्छे पेच लड़ाए हैं आज अजहर भाई ने, हमारे जावेद भाई ने और भाई मेराज ने, तो कमाल के पेच लड़ा दिए हैं आज। चलिए इधर से भी शानदार पेच लड़ा रहे थे हमारे जहर भाई, फरहान भाई, मानस भाई ने भी। चलिए गद्दा सीधे मारते हुए चले गए और ये देखिए गद्दा रख के वहीं पे दो चार हल्के हल्के थपकी लगा दी और उनका झोल जो ऊपर था वो कट गया। शानदार ये टेक्निकल पेच काट दिया फरहान भाई ने। एक बार फिर से हमारे सलमान भाई पेच लेते हुए और नीचे की तरफ से बहुत ही अच्छे पेज लड़ाते हुए हमारे जहर भाई। देखिए जहर भाई की पोजीशन में दिखाता हूँ, वो देखिए खड़े हैं, सही बोला है, वहीं से आवाज़ आई। सलमान भाई देखिए यहाँ पे खड़े हैं। आइए ऊपर वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली हमारे सलमान भाई की है। अभी तक 2 या 3 टिकट दिल्ली की तरफ है, 40-45 मिनट का गेम बाकी है अभी। अंदर की तरफ लेते हुए सलमान भाई अब बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, मैं जहर भाई के पीछे खड़ा हूँ लगभग 40-50 मीटर पीछे। चलिए सलमान भाई ने नीचे की तरफ सीधे गद्दा उतार दिया बिना रोके, खींचते हुए चले जा रहे, वो क्रॉस पट पे खींच रहे, बहुत ज़्यादा ताकत लगा दी है। बहुत अच्छा पेच काटा, कहीं ना कहीं आखिरी में जो खींचते खींचते सलमान भाई की ताकत कम हुई, क्योंकि एक खींचने के बाद इंसान थक ही जाता है और नीचे हवा भी नहीं लगेगी। क्रॉस पे बहुत ज़्यादा तेज खींच दिया यहाँ पे जहर भाई ने, शानदार पेच काटा। आइए दोस्तों देखते हैं भाई मेराज का पेच, आज सबसे अच्छे पेच इन्होंने ही काटे हैं। चलिए सही बोलते हुए और जहर भाई इससे पहला शानदार क्रॉस पट मारा था, ऊपर का पतंग लिए हुए हैं हमारे। आइए देखते हैं यहाँ पे पेच फेरे जा रहे हैं, ऊपर वाली पतंग देखिए लेफ्ट साइड वाली हमारे भाई मिराज की और नीचे से बड़े हुए हमारे जहर भाई पे, सही बोल दिया गया है। पेच की रेंज 450 मीटर के करीब, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए जहर भाई। अब भाई मेराज ने पतंग को नीचे लाना शुरू किया है, गद्दा मार रहे हैं और तेज मारते चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, उन्होंने भी झुकाई दी, बाहर को लिया भाई मेराज, थपकियों पे ऊपर उठा रहे हैं, सीधा खड़ा खींच रहे हैं, उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया, क्रॉस पर फिर मारा, फिर अंदर की तरफ खींचा है तेज हाथों से, क्या होना, बहुत अल्टीमेट पेच काटा है यहाँ पे, एक और शानदार आज के दिन का पेच, कई सारे मुड्ढे बदले और आखिरी में रुख दिखाया है बिल्कुल सीधा सीधा, खींचने की बजाय अगर थपक लेते हैं यहाँ पे तो मजा आ जाता भाई मेरा। इसकी पतंग की चाल देख के
अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा, जब अपनी पे ये आएगा, चुपन में आसमां में मुट्ठों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आए दोस्तों इस पेज को समझते हैं, ऊपर का पेज ले रहे हैं अजहर भाई और नीचे से एक बार फिर से जहर भाई चलते हुए। इस वक्त गेम बराबर है, यानी बराबर टिकट है। चलिए पूरा गद्दा रखते हुए जहर भाई ने बाहर खींचा, उन्होंने क्रॉस पट मारा है, जहर भाई ने पूरी जान लगानी होगी क्या होना है, मारते चले जा रहे हैं और ये कटे जहर भाई इस बार। यहाँ पे ताकत का गेम था, ताकत लगाया कहीं ना कहीं जहर भाई ने, और नीचे जो है हवा नहीं लगेगी ये भी जानना है। आए दोस्तों फरहान भाई का पेज देखते हैं, एक टिकट इस वक्त तक दिल्ली के पास है और नीचे की तरफ से एक बार फिर से जावेद भाई बढ़ते हुए, भारी का गेम खेलते हैं जावेद भाई, अंदर अंदर बढ़ते चले आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। फरहान भाई की पतंग तो तब भी 300 मीटर के करीब है, उनकी पतंग 200-250 मीटर पर है, 250 मीटर पर है करीब। फरहान भाई की पतंग थोड़े से ज़्यादा दूर पर, आखिरी के कुछ पेज चलते हुए निर्णायक बाहर की तरफ पतंग को निकालते हुए जावेद भाई अंदर की तरफ चलते हुए और अंदर जाते हुए फरहान भाई ने चक्कर दिया, पतंग को बाहर लिया है, पूरी जान लगाएंगे, बिल्कुल रोकी पतंग, थपक रहे हैं, बहुत शानदार पेच काटा है, बहुत अच्छा पेच, जैसे ही उन्होंने अंदर की तरफ दिखाया रोक के पतंग थपक लिया और फिर से टिकट हो गए बराबर। बहुत ही भयानक मैच चलता हुआ ये। आइए दोस्तों एक बार फिर से हम अजहर भाई का पेज देख रहे हैं और नीचे की तरफ से एक बार फिर से जहर भाई है, दोनों के बीच बहुत ही कांटे का टक्कर। चलिए लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे अजहर भाई की, चक्कर देते हुए वो अंदर की तरफ खींचते हुए चले आ रहे हैं, अजहर भाई बाहर को तरफ तेज गद्दा दिखाया है, चक्कर लिया, बाहर ही खींच लिया उन्होंने, अंदर खड़ा खींचता है, बहुत ताकत लगाते हैं अजहर भाई, बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाते हैं। अच्छा पेज काटा यहाँ पे अजहर भाई ने, अंदर दिखाया था लेकिन लेट कर गए थे, इन्होंने एक चक्कर लिया और तुरंत बाहर खींच लिया। संजीव भाई के काइट कल्चर को सरप्राइज करें और जो है लाइक करें और शेयर करें, शुक्रिया अजहर भाई। आए दोस्तों भाई मिराज का पेच हम देख रहे हैं और ऊपर से पेच ले रहे हैं फरहान भाई, उधर देखिए वहाँ पे वो देखिए, चलिए पेच को देखते हैं, पेच सही है, पेच की दूरी लगभग 400 मीटर, भाई मिराज के जस्ट लेफ्ट साइड में खड़ा हूँ मैं, पतंग को ऊंचा करते चले जा रहे हैं, फरहान भाई की पतंग देखिए इधर राइट साइड वाली और ऊंचा कर रहे हैं, अब बाहर की तरफ निकाला है फरहान भाई ने, चलिए देखते हैं क्या होता है। भाई मिराज की पतंग आपको यहाँ दिख रही है ये देखिए, फरहान भाई की पतंग बिल्कुल राइट साइड है, अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए उतार के ला रहे हैं और यहीं पे खड़े हैं हमारे भाई मिराज और यहाँ पे फरहान भाई की पतंग है, देखिए आखिरी के कुछ पेच होते हैं तो ऐसे लड़ाने पड़ जाते हैं, हवा भी काफ़ी कम हो गई है पहले से, तो ये पतंग अभी फरहान भाई की दिख रही है और ये इधर जब आएंगे लेफ्ट साइड अंदर की तरफ रखे हुए हैं हमारे भाई मिराज और अंदर उतरते हुए ये देखिए फरहान भाई की पतंग, ये हमारे भाई मिराज अब बाहर निकाल रहे हैं, देखिए गद्दा बाहर दिखाया है, देखते हैं क्या होता है। अब आइए दोनों की एक साथ पतंगे देखते हैं, चलिए ठीक है बाहर निकालते हुए हल्के हाथों से चल रहे हैं, भाई मिराज भी पतंग को चला रहे तेज हाथों से, चलिए ठीक है चक्कर लिया है फरहान भाई ने और बाहर निकाल रहे हैं, पेज की दूरी मेरे पास से यानी लगभग भाई मिराज के पास से 300 मीटर, अंदर की तरफ बढ़ते हुए भाई मिराज पतंग घट नहीं कर रहे हैं, लगातार एक जगह पर रखे हुए हैं, हल्के हाथों से पतंग को बढ़ाया है फरहान भाई ने, देखिए बढ़ा रहे हैं पतंग को, देखते हैं क्या होता है, थोड़ा टाइम लग रहा है, फरहान भाई जल्दी रख नहीं रहे,
चलिए ठीक है, देखते हैं बाहर किया फरहान भाई ने पतंग को, चक्कर लिया और बाहर लेके आए, अभी चला ही रहे हैं और बाहर लेके आ रहे हैं। ठीक है, अंदर की तरफ से बढ़ते हुए हमारे मिराज भाई, माफ़ कीजिएगा भाई मिराज, भाई मिराज के ये मिराज भाई के ये सब बराबर ही है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से कोनी कराए हुए लगातार वो, देखते हैं फरहान भाई भी कुछ कर नहीं रहे, जल्दी से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों ही बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी और मिराज भाई का तो जवाब नहीं। चलिए अंदर की तरफ से बढ़ते हुए मिराज भाई, फरहान भाई चक्कर दे रहे हैं पतंग को, चक्कर दिए जा रहे हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, 3 मिनट से ऊपर की वीडियो चल गई। अब अंदर की तरफ लेके आते हुए फरहान भाई, भाई मिराज बाहर की तरफ लेते हुए, उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया, मिराज भाई रुक नहीं रहे, उन्होंने गद्दा मारा है तेज, बहुत उमदा पेच काटा यहाँ पे मिराज भाई का, कोई जवाब नहीं, शानदार उस्ताद। सही बोल दिया गया है, लेफ्ट साइड वाली हमारे भाई मिराज की पतंग और ऊपर से मानस भाई है, दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी और दोनों ही टीमें दिग्गज हैं इस समय। चलिए घुमा घुमा के पतंग मानस भाई नीचे लाते हुए, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, देखिए भाई मिराज की पतंग बाहर निकालते हुए, उन्होंने बाहर को गद्दा दिखाया, पतंग को चलाया तेज, मानस भाई ने बाहर को गद्दा दिखाया, भाई मिराज पूरी ताकत से खींचते हुए चले गए हैं और ये देखिए ताकत ताकत मांगता था ये पेज और बढ़िया पेज इस बार मानस भाई ने काटा भाई मिराज को। इस वक्त तक टिकट बराबर ही चल रहे, दोनों ही टीमों में बहुत ही घमासान का युद्ध हो रहा है, घमासान बिल्कुल खतरनाक। बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें, शेयर कर दीजिएगा वीडियो को दोस्तों, बने रहें काइट कल्चर पे। मानस भाई का पेज चल रहा है नीचे की तरफ से, देखिए मानस भाई यहाँ खड़े हुए हैं, इस बार मैं आपको पोजीशन भी दिखाता चल रहा हूँ खिलाड़ियों की, और ऊपर से पेज ले रहे हैं हमारे अजहर भाई। चलिए दोनों ही दिग्गज खिलाड़ी ऊपर से पेज लेते हुए, आज अजहर भाई ने भी कमाल कमाल के पेज काटे हैं, सारे पेज आपको देखने को मिल रहे हैं ओनली ऑन काइट कल्चर। दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो अच्छा ही रहेगा, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। बाहर की तरफ तेज गद्दा बनाया है मानस भाई ने, चक्कर लिया, चक्कर लेते जा रहे बाहर की तरफ, अब तेज खड़ा खींचा है, उन्होंने गद्दा पूरा मारा है, बहुत खतरनाक। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो देर कर रहे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल झोल पे गद्दा उतर जा रहा है, अच्छा पेच काटा ताकतवर अजहर भाई का, ताकतवर खींच पेच। आइए दोस्तों, सही बोल दिया है यहाँ पर अजहर भाई, ऊपर का पेच ले रहे हैं नीचे से फरहान भाई, एक बार फिर से सही बोला फरहान भाई ने भी, सही बोल दिया, दूर के ये पेच चल रहे हैं, अब 550-600 मीटर के करीब ये पेच लगे हुए हैं रेंज में। चलिए फरहान भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली, लेफ्ट साइड है हमारे अजहर भाई की पतंग, देखिए कैसे चल रही है अजहर भाई की, शानदार चक्कर लेके नीचे की तरफ लेके जा रहे हैं, गद्दा बाहर को दिखा रहे हैं, वो अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए फरहान भाई को चलाई बाहर की तरफ तेज खींचा है उन्होंने भी, चलिए गद्दा भरा, बहुत अच्छा पेच ये हुआ, बहुत ही टेक्निकल, डबल की तरह बाहर खींच के दिखा रहे थे, वहीं रोका मुड्ढा और सीधा खड़ा बाहर खींचा है, खड़ा खींचा तो था, पूरी जान तो लगाई थी फरहान भाई ने भी, लेकिन अजहर भाई के क्या ही कहने, वो देखिए वहां जाके बैठे। आए दोस्तों एक बार फिर से अजहर भाई का पेज देखते हैं, पिछला पेज बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हुआ था, पूरी देर तक खींची थी, लगभग 5 से 6 सेकंड पतंग खींचती रही और इतना बहुत होता है, और आखिर में हमारे फरहान भाई कट गए, अच्छा गद्दा मारा। चलिए फरहान भाई इस बार माफ़ कीजिएगा, अजहर भाई ऊपर से बाहर की तरफ दिखाते हुए, जहर भाई नीचे की तरफ है, बिल्कुल रुख बदलते हुए अजहर भाई, बराबर गेम चल रहा था लेकिन लगातार दो तीन पतंगे काट के एक बार फिर से गेम में वापसी करा दी है दिल्ली की। चलिए देखते हैं इस बार क्या करते हैं, जहर भाई नीचे की तरफ से खींचते हुए चले आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा अजहर भाई की तरफ खड़ा हूँ, इस तरह से आप समझिए, दिल्ली के सबसे घातक खिलाड़ियों में
नंबर वन पे यही खिलाड़ी हैं, नदीम भाई हैं, अजहर भाई हैं। चलिए बाहर की तरफ दिखाते हैं, अब तो बहुत सारे खिलाड़ी आ गए हैं दिल्ली में, बहुत अच्छा अच्छा लड़ा रहे हैं यंग यंग प्लेयर। चलिए बाहर को तरफ दिखाया, उन्होंने अंदर का खींचा है। पेच की दूरी मेरे पास से लगभग 400 मीटर। अब अंदर की तरफ से जहर भाई आ रहे हैं, थोड़ा सा ऊंचा करके खाली कराया यहाँ पे अजहर भाई ने, और अंदर की तरफ से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जहर भाई। जहर भाई की पोजीशन वो देखिए कहाँ गए, ये रहे। दोबारा होगा ऐसा बोला, हाथ दिखाया, ठीक है। आइए दोस्तों इस पेच को देखते हैं एक बार फिर से। अजहर भाई वही पेच लेते हुए जहर भाई से, लेफ्ट साइड की पतंग हमारे अजहर भाई की है। बिल्कुल जैसा मैंने कहा कि गेम को बदल दिया है अजहर भाई ने। चलिए बाहर की तरफ दिखाते हुए, उन्होंने पट करके खाली कराया, फिर बाहर ले रहे हैं जहर भाई। उन्होंने गद्दा भरा है, पूरी तरह गद्दा भरते जा रहे हैं, वो पतंग को पट कर रहे हैं, पूरा गद्दा मारेंगे क्या, नहीं रोकी पतंग। फिर अंदर की तरफ बढ़ते हुए चले आ रहे हैं, पेच ये फिर से होंगे, नहीं देखते हैं निकल जाएंगे ये पेच, निकल गए, फिर से होंगे ये पेच। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेच को फेरा जा रहा है, ऊपर से हमारे हैं अजहर भाई, नीचे से जहर भाई, तीसरी बार ये पेच को फेरा जा रहा है। सही बोला है अजहर भाई ने भी, सही बोल दिया है उधर वालों ने भी, सही बोल दिया हमारे जहर भाई ने। चलिए इंडियन काइट क्लब लड़ रही है, जिसमें कि लियाकत के दो मेंबर लड़ा रहे हैं, मानस भाई और फरहान भाई। चलिए ऐसा होता है, बाहर को गद्दा तेज़ दिखाया उन्होंने, पट किया, चलिए पूरा गद्दा भरा है। अब वो पतंग रोक के अंदर की तरफ आ रही है, पतंग खींचते चले जा रहे हैं, और बहुत अच्छा पेच इस बार काट दिया है। गद्दा मारते जा रहे थे, वो अंदर रुख दिखाते चले जा रहे थे, पतंग बहुत अच्छी हुई, हल्की सी मुड्ढा जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर सीधा हो रहा था अंदर की तरफ। यही कहीं ना कहीं वजह रही अजहर भाई के कटने की और जहर भाई के काटने की। आइए दोस्तों एक बार फिर से पेच देखते हैं, ऊपर से रखते हुए नीचे की तरफ हमारे अजहर भाई। मैं अजहर भाई के राइट साइड में काफ़ी ज़्यादा खड़ा हूँ 20 मीटर, और नीचे से एक बार फिर से जहर भाई। इन दोनों के बीच में बहुत ही अल्टीमेट पेच हुए हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब दो दिग्गज खिलाड़ी लड़ाते हैं। जहर भाई भी कमाल के ये खिलाड़ी, ऐसे ही खिलाड़ी लखनऊ में भरे पड़े हैं, और मैं लगातार उनको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और अजहर भाई का तो कोई जवाब ही नहीं है। चलिए अंदर की तरफ काफ़ी ज़्यादा ले आए, बाहर की तरफ पट पे निकाल रहे हैं जहर भाई। उन्होंने गद्दा भरा, पूरा गद्दा भरा है, उन्होंने रोक के फिर कड़ा खींचा है, क्या होना है, बहुत अच्छा अल्टीमेट पेच काटते हुए अजहर भाई एक तरफा गेम को करते हुए दिल्ली के लिए। और ये हुए 3 टिकट अब दिल्ली के पास, कुछ ही मिनट्स का गेम अब बाकी रह गया है। आइए दोस्तों पेच को देखते हैं, पेच की दूरी है 600 मीटर के करीब, काफ़ी दूर रेंज पे ये पेच चलते हुए। अज्जू भाई की पतंग है राइट साइड वाली, अंदर की तरफ चलते चले आ रहे हैं, और जावेद भाई की पतंग है नीचे वाली, देखिएगा ध्यान से, दोनों ही पतंग को उतारते हुए, पतंगों को थोड़ा थोड़ा कम करते हुए रेंज फेरे तो मतलब पेच तो फेरा गया रेंज पे ही, लेकिन दोनों ही पतंग को घट करके लाते हुए, देखिए जगह भी अपनी बदलते हुए, देखिए जगह बदल रहे, कैसे प्लेयर जगह बदलता है आप ये भी सीखते रहिए। देखिए जावेद भाई जगह बदलते हुए पतंग को भी बाहर ही खींच रहे हैं, ये देखिए बाहर खींच रहे हैं, और अज्जू भाई की पतंग जो है राइट साइड वाली है वो और अंदर की तरफ चलते हुए चले जा रहे हैं, चक्कर लिया जावेद भाई और बाहर की तरफ लेके चले आ रहे हैं। अब अज्जू भाई ने नीचे रखा और ज़्यादा अंदर की तरफ लेके चले आ रहे हैं, देखिए जावेद भाई यहाँ पे है, पीछे अपनी पोजीशन को चेंज करते हुए पतंग अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं यहाँ पे देखिए, और हमारे अज्जू भाई की पतंग देखिए ये है जो अब साफ साफ दिखने लगी है, और अंदर बढ़ते हुए अज्जू भाई, चलिए बढ़ते हुए चले जा रहे हैं यहाँ पे। अब दोनों एक साथ देख सकते हैं आप, पतंग को भी हमारे जावेद भाई की और उनको भी, अज्जू भाई की पतंग जस्ट ऊपर, ये देखिए। चलिए देखते हैं क्या होता है इस पेच पे, बिल्कुल मैदान के अंदर ये पेच हो रहे हैं, अज्जू भाई भी पतंग हटा नहीं रहे लगातार, और जावेद भाई पतंग को बाहर करते हुए चले जा रहे हैं और अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, तेज हाथों से लेके चलते चले आ रहे हैं, क्या होना है इस बार, ये तो बिल्कुल अंदर मेरे ख्याल से जहाँ पे जावेद भाई खड़े थे
वहाँ पे अब अज्जू भाई की पतंग आ गई। पतंग अभी सही है, पेच अभी सही है, नहीं हुआ है, गलत नहीं है, ठीक है, अभी भी लेके चले आ रहे हैं। क्या होना, पेच हो के रहेगा क्या? तेज हाथों से हटा लिया यहाँ पे जावेद भाई ने, जावेद भाई ने पेच को हटा लिया। और ये देखिए पतंग यहीं पे है बिल्कुल जहाँ पे क्रिकेट खेला जाता है, तो जो नादरगंज में जानते हैं वो उनको समझ में आ रहा होगा पेच कहाँ पे लड़ रहा था ये। आइए दोस्तों, मानस भाई पेच लेने आए हैं, अज्जू भाई पीछे गए हैं यानी हटे हैं पेच से, और जावेद भाई ही रहेंगे। ये देखिए हिप्पी भाई भी वहीं पे हैं जावेद भाई के साथ। चलिए अभी पेच फेरे जा रहे हैं। आइए दोस्तों ये पेच को समझते हैं। मानस भाई की पतंग देखिए ऊपर वाली है, थोड़ा सा लंबे करके रखा है जावेद भाई ने, तो वो कह रहे हैं कि मानस भाई पूरा पेच बढ़ा के लाएं, जिसकी वजह से थोड़ा सा देर हो रही है, लेकिन ठीक है, सब ये टेक्निक्स होती हैं, सब सही है अपनी जगह, वो भी सही है, ये भी सही है। चलिए फिलहाल इस पेच को देखते हैं। तेज तेज पतंग को चलाते हुए जावेद भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए हमारे जावेद भाई की है और ऊपर से मानस भाई की है। पेच की दूरी लगभग 550-600 मीटर है। आखिरी के पलों में यहाँ जहाँ पे लोकल में कम हो जाए, चलिए गद्दा बनाया है उन्होंने, क्रॉस पट मारा है और ये मानस भाई ने पूरा ताकत भरा है बाहर की तरफ, पूरी जान से खींचा है, बढ़िया पेच काटा है यहाँ पे। क्रॉस जैसे ही पट कर रहे थे, झोल जो ऊपर चल रहा था वहीं मानस भाई पूरा भरते हुए बाहर की तरफ लेके गए हैं। शानदार ये पेच काटते हुए मानस भाई द्वारा। आए दोस्तों एक और पेच देखते हैं मानस भाई का। अजहर भाई की पतंग नीचे से आएगी, सही बोला है, देखिए आई यहाँ पे, देखिए अजहर भाई की पतंग है लेफ्ट साइड वाली, देखिए चक्कर खा के अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं अजहर भाई, देखिए यहाँ खड़े हुए हैं वो, देखिए ग्रे टी शर्ट में। मानस भाई बाहर की तरफ दिखाते हुए अब अंदर क्यों लेके जा रहे हैं। मानस भाई की पतंग राइट साइड वाली है, चलिए और क्लोज कर दिया पतंग को, काफ़ी खड़ा खड़ा कर रख के दिया है, सीधा ऊंचा खींचा है मानस भाई ने भी, पूरी जान लगाई है और ये ताकत का गेम हुआ भैया, बड़ी ताकत लग रही है। अजहर भाई ने एक और पेच जानदार काटा, शानदार काटा। जहर भाई पेच लेंगे ऊपर से, सही बोल दिया गया, आइए पेच की तरफ एक बार फिर से नीचे की तरफ से तेज हाथों से पड़ते हुए हमारे अजहर भाई, और जहर भाई की पतंग देखिए राइट साइड वाली नीचे की तरफ लेके आते हुए सीधा सीधा खड़ा खींचा है या दिखाया है। अजहर भाई ने पतंग को तेज तेज चलाया, बिल्कुल खड़ा खींच रहे हैं, अब जहर भाई ने खींचा है, उन्होंने भर्रा दिया था अंदर की तरफ, अब तेज खींच रहे हैं, बहुत अल्टीमेट पेच इसे कहेंगे। जैसे ही गद्दा मारा था जहर भाई ने, इन्होंने भर्रा छोड़ दिया था, बिल्कुल आने दिया था करीब, उसके बाद बढ़िया पेच मुड्ढा घुमाया अंदर और तेज हाथों से अंदर खींचा है। शानदार ये पेच काटते हुए अजहर भाई गेम को बदलते हुए। इसकी पतंग की चाल देख के अपनी पतंग तू हटाएगा, तेरे पैतरे तू भूल जाएगा जब अपनी पे ये आएगा। चुपन में आसमां में मुद्दों को बदल दे, ये तू बेटा कुछ नहीं कर पाएगा। नवाबों के शहर का ये नवाब है, पतंगबाजों में इसका नाम खास है। आइए दोस्तों ये पेज देखते हैं हमारे अज्जू भाई का, ऊपर से हैं और नीचे से एक बार फिर से अजहर भाई। लगभग गेम बराबर था, यानी बराबर था बिल्कुल 4:30-5 बजे तक, लगभग 4:30 बजे तक, उसके बाद अजहर भाई ने डोर पकड़ी और लगातार 3-4-5 अच्छे पेज काट दिए बाहर की तरफ। अजहर अज्जू भाई ने दिखाया, उन्होंने खड़ा खींचा है, अज्जू भाई ने बिल्कुल बढ़िया पेज काट दिया है यहाँ पे, शानदार गद्दा, जल्दी से गद्दा मार दिया ऐसा लगा, और उनको समय ही नहीं मिला खींचने का, खड़ा खींच ही रहे थे तब तक अज्जू भाई का गद्दा पड़ गया। शानदार ये पेच काटा अज्जू भाई। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं एक बार फिर से, अजहर भाई का पेच है और नीचे से हैं हमारे फरहान भाई, 4 टिकट से दिल्ली इस समय तक आगे है,
समय बिल्कुल ख़त्म होने की तरफ है। आइए देखते हैं क्या होता है। ऊपर वाली जो पतंग आपको दिख रही है ये हमारे अज़र भाई की है। देखिए नीचे खड़े हुए हैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे अज़र भाई, और यहाँ पे उनकी पतंग ऊपर, और नीचे से तिरछा कराए हुए हैं कोनी की तरफ फरहान भाई। चलिए बाहर की तरफ दिखा रहे हैं, बाहर भरा अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। चलिए अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अब बाहर निकाल रहे हैं अज़र भाई, उन्होंने भी दिखाया खड़ा, अंदर की तरफ खड़ा खींचा है, और ये पतंग बलों पे रोक लिया है, बढ़िया पेच थपक के काट दिया, शानदार ये पेच काटा है बिल्कुल इत्मीनान से। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं। आइए दोस्तों ये पेच देखते हैं। हमारे भाई मिराज नीचे से हैं और ऊपर से पेच ले रहे हैं। अज्जू भाई बढ़िया पेच काटा था इससे पिछला वाला, जल्दी से गद्दा मार दिया था और खड़ा खींचने पर मजबूर किया था अज़र भाई को, वहीं में वो कट गए। चलिए भाई मिराज की पतंग बिल्कुल लेफ्ट साइड वाली सीधा सीधा खींचते हुए पैरेलल चल रहे हैं, अंदर की तरफ खड़ा दिखा रहे हैं, उन्होंने बाहर की तरफ दिया, ये इन्होंने खाली कराया है। भाई मिराज ने पतंग को फंसाना चाह रहे हैं ऐसा लग रहा है, और नीचे किया है देखिए। चलिए खड़ा अंदर खींचा, थपक्की मार रहे थे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, पतंग देखिए भारी भरकम लिए हुए हैं हमारे भाई मिराज। ऐसे पेच आप भी काट सकते हैं, अंदर खड़ा थपक लिया और उस पर आप खींचेंगे या थपकी मारेंगे तो कट जाएंगे, क्योंकि भारी पतंग है ये सब देखना भी रहेगा। चिपका के मत लड़ाइए कभी भी भारी पतंग से, और इस खिलाड़ी से तो कभी नहीं। ये देखिए भाई मिराज, और क्या शरीर ऐसा नहीं बल्कि तो खींच नहीं पा रहे, उतनी ही तेज खींचते हुए। आइए दोस्तों ज़हर भाई का पेच ऊपर से देखिए, राइट साइड वाली पतंग ज़हर भाई की है, और नीचे से एक बार फिर से भाई मेरा, देखिए करीब करेंगे तो आपको दिक्कत होगी, और वही करवा रहे हैं। चलिए गद्दा तेज मारा है, और वो देखिए पहले ही कहीं ना कहीं छू गए, जैसे ही तेज़ गद्दा भरा था, झोल ऊपर ही था घूम रहा था, वहीं पर छू गया और उनकी पतंग कट गई। जो मैंने कहा कि भाई ज़्यादा दूर से चलिए कभी भी कोई भारी लड़ाने वाला हो, वही किया ज़हर भाई ने, सौरभ ने बल्कि अच्छे गद्दे मारे। चलिए दोस्तों ये पेज देखते हैं, ज़हर भाई का ऊपर से हैं और नीचे से हमारे हैं हिप्पी भाई। चलिए दूर के ये पेज चल रहे हैं, हवाई जहाज़ का भी आनंद लेते रहे, यहीं पे अमौसी एयरपोर्ट इंटरनेशनल है, डोमेस्टिक भी यहीं है। चलिए देखते हैं क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा अंदर अंदर लिए हुए हैं हिप्पी भाई और ज़हर भाई, पतंग ऊपर चमकाते हुए देखते हैं बाहर की तरफ ले रहे हैं। पेज की दूरी मेरे पास से लगभग 500 मीटर है, आइए देखते हैं इस पेज पे क्या होता है। वैसे तो डिसीज़न लगभग आ गया है, लगभग 4-5 टिकट हैं उधर, 15 से 20 मिनट का गेम बाकी है, क्या होता है जल्दी जल्दी पेज लड़ाएं तो फिर मज़ा आए। ज़हर भाई जल्दी पेज नीचे रख नहीं रहे, जल्दी से गेम लड़ाना होगा तेज़ तेज़, तब काम होगा कहीं ना कहीं लखनऊ के लिए। काफ़ी ज़्यादा अंदर की तरफ तिरछा कराए हुए हैं लगातार हमारे हिप्पी भाई, नीचे वो पेच रखें तो कुछ काम बने। चलिए धीरे धीरे हाथों से ज़हर भाई बाहर पतंग को निकालते हुए, चलिए गद्दा रखेंगे एक एक जगह पे, वहीं पे चक्कर दे दे के पतंग को हल्का हल्का उतारते हुए, काफ़ी ज़्यादा बढ़ करके रखा है हिप्पी भाई ने। ठीक है बिल्कुल ठीक, बाहर की तरफ दिखाया है ज़हर भाई ने, और बाहर लिया चक्कर दिया, सीधा गद्दा उतार रहे हैं, उनकी पतंग बाहर की हल्की लग रही है। चलिए सीधा खड़ा खींचा है ज़हर भाई ने, बढ़िया गद्दा मारा है तबाही वाला, शानदार ये पेच काटा है, सीधा खड़ा खींच गए, गलती यहीं हो गई, और अच्छा पेच काटा ज़हर भाई ने ऊपर से। आइए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश करेंगे, पिछला पेच बढ़िया काटा था ज़हर भाई ने, नीचे से पेच लेते हुए हमारे अज़र भाई। चलिए पतंग को पूरी तरह से खड़ा किया है, ज़हर भाई का मुड्ढा अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान देना होगा, थपक रहे हैं लगातार थपकते चले जा रहे, पतंग घूम के वापस आ गई, देखिए पतंग ख़राब हुई ज़हर भाई की, और ये पेज भी कट गए, अज़र भाई ने ये भी पेज काट दिया। आइए दोस्तों बिल्कुल आखिरी पेज ये चलता हुआ, और लड़ा रहे हैं हमारे, क्या नाम है भाई का, डॉक्टर साहब इनको कहते हैं। चलिए वही ब्लू लोवर वाले अपने अच्छे पेच लड़ाए इन्होंने भी, अज़र भाई की पतंग देखिए लेफ्ट साइड है, काफ़ी ज़्यादा दूर पेच हैं, एकदम अंधेरे का समय है, देखिए मच्छर भी उड़ रहे हैं। ठीक है थपक रहे हैं अज़र भाई, ध्यान देना होगा, अज़र भाई की पतंग थपक रही है, और अच्छी पेच आखिरी वाला भी काट के गेम बिल्कुल दिल्ली के हक में डाल दिया, दिल्ली ने ये गेम जीत लिया लगभग 5-6 टिकट जितने भी अभी 5 टिकट से, दिल्ली को बहुत बहुत बधाई, बढ़िया पेच लड़ाए थे अज़र भाई ने, एक तरफा गेम आखिर में एक तरफा कर दिया,
वैसे तो लखनऊ ने भी पूरी टक्कर दे दी थी।